हेलो एवरीवन, द्रोणाचार्य एकेडमी में आपका स्वागत है। जीएस के साइंस सेक्शन में बायोलॉजी की ये पहली क्लास है। अगर मैं बात करूँ टर्म बायोलॉजी की, तो ये ग्रीक और लैटिन भाषा का रूट वर्ड से कवर होता है। बायो कवर होता है आपका बायोस से, जिसका मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का कवर होता है आपका लोगोस से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। लिटरली लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कह रहे हैं या जीव विज्ञान कह रहे हैं। तो लाइफ की स्टडी को जीव विज्ञान कह दिया। लेकिन बात करें अध्ययन की, तो सर्वप्रथम इस अध्ययन की शुरुआत की थी अरस्तु ने। 384 से 322 बीसी में अरस्तु ने जीव विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की, और इन्होंने सभी जीवित इकाइयों को दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। पहला वर्ग कहलाया गया आपका पादप, और दूसरा कहलाया गया जंतु। और इस क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण के कारण ही इन्हीं को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता, या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। इन्होंने ही शुरुआत की थी जीव विज्ञान के अध्ययन की। दूसरा, फादर ऑफ जियोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं जियोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी में। लेकिन बात करें दोस्तों जीव विज्ञान शब्द के इस्तेमाल की, तो नाम आता है फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क का, जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविनेरस का। 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनेरस ने इस शब्द जीव विज्ञान में इस्तेमाल किया था, जिसको हम बायोलॉजी इंग्लिश में बोल रहे हैं बायोलॉजी। तो शब्द के इस्तेमाल की बात आए तो आ जाते हैं लेमार्क फ्रांस से और ट्रेविनेरस जर्मनी से। ये 1801 में हुआ। और अगर अध्ययन की बात करें तो अरस्तु यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी किसको कह रहे हैं? अरस्तु। सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने किया, 384 से 322 बीसी की बात है। दोस्तों जीव विज्ञान की देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेट अस टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नाउ। कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, उनके हम सीखने वाले हैं कि किसको क्या कहा जाता है। रूट मेथड से और निमोनिक दोनों मेथड से मैं आपको कवर करा दूंगा, भी याद रहेगा सारा। दोस्तों जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं सारे ग्रीक और लैटिन भाषा के रूट वर्ड्स हैं। रूट वर्ड्स आपको पता होंगे तो इजीली कवर हो जाएगा, नहीं होंगे तो हम निमोनिक से भी कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा की। पहली शाखा आती है आपकी एपिकल्चर। दोस्तों ये रूट वर्ड आया एपीज, एपी रूट वर्ड आता है आपका बीज के लिए। बीज बोलते हैं मधुमक्खियों को, तो मधुमक्खियों कल्चर आता है किसी चीज को पालने के लिए, चाहे आप खेती पालें चाहे कोई एनिमल पालें। तो कल्चर पालना, एपीज मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? एपिकल्चर कह रहे हैं। अगर आपको ऐसे भी याद ना हो रहा हो तो एपी पी पी बी मतलब मधुमक्खियां, नहीं मधुमक्खियों के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? पालन के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? एपिकल्चर। दूसरा आता है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम के कीट के पालन के अध्ययन को। सेरी वर्ड आया रेशम कीट के लिए, और पालन के अध्ययन हो गया कल्चर। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे याद ना हो रहा तो आप एक वर्ड याद कर लो, साड़ी। साड़ी किसकी है? साड़ी रेशम की है। सेरिकल्चर साड़ी कल्चर, साड़ी है रेशम की, तो रेशम के कीट के पालन के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? सेरिकल्चर कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीसी कल्चर। पीसी वर्ड आता है फिशेस के लिए, यानी कि फिश और पेश। फिश यानी कि मत्स्य पालन के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? पीसी कल्चर कह रहे हैं। देखिए ये मत्स्य पालन है, लेकिन मत्स्य का यानी कि मछलियों का ही अध्ययन होगा तो इकोलॉजी में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा इकोलॉजी में। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो बात करें पीसी कल्चर की, तो ये आता है फिश के लिए। अगर वैसे भी याद ना हो रहा तो फिश 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 मत्स्य पालन के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? पीसी कल्चर कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी। माइको रूट वर्ड आता है आपका कवक के लिए, जितने भी फंगी हैं सब इसमें आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो माइको कब घर जाना है, ऐसे याद करो, माइको कब घर जाना है। माइको माइकोलॉजी, कब कवक, माइको कब घर जाना है। माइकोलॉजी हम किसको कह रहे हैं? कवकों के अध्ययन को कह रहे हैं। दूसरा आपका नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी। आपको कंफ्यूजन माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में हो जाता है कि माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, सवाल कवक सवाल कवक, इतना ध्यान रखना कि माइको कब कब घर जाना है, कब कब से कवक माइकोलॉजी। फाइको को याद करा देते हैं, फाइको रूट वर्ड आता है सवाल के लिए, सवालों के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? फाइकोलॉजी कह रहे हैं। आप एक वर्ड याद कर लें फाइट फाइट, फाइको फाइट, और फाइट पे सभी क्या उठाते हैं? सवाल उठाते हैं। तो फाइकोलॉजी यानी कि सवाल, यानी कि सवालों के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी आता है वर्ड पुष्पों के, फ्लावर के लिए। फ्लावर के लिए एक रूट वर्ड और आता है ग्रीक और लैटिन भाषा से फ्लोरी या फ्लोरा। तो उस रूट वो भी फ्लावर को अर्थ देता है, ये भी फ्लावर को अर्थ देता है।
तो एंथो से आप याद करें एक वर्ड मेंथा, मेंथा और मेंथे का क्या है, फूल है। एंथा मेंथा मेंथे का फूल, यानी कि पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कह रहे हैं। एंथा मेंथा मेंथे का फूल, एंथोलॉजी यानी कि पुष्पों के अध्ययन को कह रहे हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी याद करें आप किसको बोलते हैं, फलों के अध्ययन को। पोमोलॉजी में एक आप इंग्लिश वर्ड याद कर लें पाम, पाम बोलते हैं खजूर को, खजूर है ड्राई फ्रूट। पोमो पाम ड्राई फ्रूट, यानी कि आपका फलों का अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, पोमोलॉजी कह रहे हैं। दूसरा आता है आपका ऑर्निथोलॉजी। गाइस ऑर्निथोलॉजी रूट वर्ड है, बर्ड्स के लिए आता है, पक्षियों के लिए आता है, लेकिन अगर आप उससे भी याद ना करना चाह रहे तो आप मैं एक वर्ड बता देता हूँ, मोरनी। देखिए ऑर्नी ऑर्निथो ऑर्नी मोरनी, और मोरनी क्या है, पक्षी है। तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्निथोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इकोथियोलॉजी। इकोथियोलॉजी में भी पीसी कल्चर ऊपर आया था जब मैं बात कर रहा था आपको, इसमें डिफरेंस समझिएगा। देखिए पीसी कल्चर है दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन, लेकिन अगर मत्स्य का ही अध्ययन करना है तो आपको वर्ड आता है इकोथियोलॉजी, यानी कि मछलियों का अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, इकोथियोलॉजी। आप इसको याद करने के लिए एक अदर रूट वर्ड याद कर लें, एक्वा। एक्वा रूट वर्ड आता है पानी के लिए, जैसे कि आप घरों में एक्वेरियम रखते हैं जिसमें फिशेज होती है, या फिर जलचर प्राणियों को एक्वेटिक कहते हैं। एक्वा इक्वो, एक्वा इक्वो जल और जल में रहती है मछली, तो इकोथियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन। दूसरा आपका है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो रूट वर्ड आता है वृक्ष और झाड़ियों के लिए, तो डेंड्रोलॉजी को याद करने के लिए डंडे आप वर्ड याद करें, डंडे। और डंडे कहाँ से आते हैं, वृक्षों से आते हैं, झाड़ियों से आते हैं, तो डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन हो गया आपका, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन हो गया। नहीं देखिए ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों सर्पों के अध्ययन को, सर्पों के अध्ययन को। ऑफियो को याद करें पियो से, क्या मत पियो, विष मत पियो, और विष होता किसमें है, विष सर्पों में होता है मोस्टली, तो सर्पों के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, ऑफियोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट काम है आपका सोरोलॉजी। सोरोलॉजी को आप सरकना वर्ड याद रखिए, सरकता कौन है, छिपकली, तो छिपकली के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, सोरोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका सिल्वी कल्चर, कास्टी पेड़ों के अध्ययन, जिन पेड़ों में कास्ट बन जाती है उसके अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, सिल्वी कल्चर कह रहे हैं। अभी पेडोलॉजी भी, अभी आपको डेंड्रोलॉजी भी आता है, वृक्षों झाड़ी है, लेकिन कास्टी पेड़ों के अध्ययन को हम कहते हैं सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर को याद करने के लिए आप एक पेड़ का नाम याद रखिए साल, साल का पेड़ से मैंने सुना होगा, तो साल भी, सिल्वी साल भी कास्टी पेड़ है, सिल्वी साल भी, साल भी कास्टी पेड़ है, तो सिल्वी कल्चर हम कास्टी पेड़ों के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपको पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पेडो रूट वर्ड आता है आपका मृदा के लिए, सोई के लिए, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो पेडो से आप याद करो पेड़ों। पेड़ों को हम कहाँ लगाते हैं, मृदा में लगाते हैं, तो पेडोलॉजी मृदा, मृदा के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, पेडोलॉजी। पेडो पेड़ो पेड़ों को लगाते हैं मृदा में, तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टी उद्यान के लिए आ गया, तो उद्यान विज्ञान को हम हॉर्टिकल्चर कह रहे हैं। याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखें हरित। हरित क्या होना चाहिए, उद्यान होना चाहिए। हॉर्टी हरित, हॉर्टी हरित, हरित है हमारा उद्यान, तो उद्यान के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, या उद्यान विज्ञान को हम क्या कह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंथो में एक रूट वर्ड फ्लावर के लिए फ्लोरी भी आता है, तो फ्लावर से ही कवर हो जाएगा ये, तो फ्लावर पुष्प यानी फ्लोरिकल्चर पुष्पों के अध्ययन को कह रहे हैं दोस्तों। ये कुछ ब्रांचेस थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, याद भी आ गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप अपने सजेशन कमेंट में डाल सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। द्रोणाचार्य अकेडमी आपका स्वागत करेगी। दोस्तों ये जीव विज्ञान की पहली वीडियो थी, और दूसरी वीडियो में हम क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें लीनियस और विक्टर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।